अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर रिदा मेमन फ्रॉम दी एस्थेटिक क्लिनिक तारिक रोड ब्रांच। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फिलर्स। बेसिकली ये हाइलुरोनिक एसिड रिच फिलर्स होते हैं। ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड बनता है, बट विद एज वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेस्ट फिलर्स या फिर बॉडी फिलर्स इसको हेल्प करते हैं कि उस जगह को कंप्लीट पूरा करने के लिए। हम इसको वेरियस जगहों पे यूज़ करते हैं एंड इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें ब्रेस्ट फिलर्स के तौर पर भी मिला है। वजूहात बहुत सारी हैं। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। औरतों का फीड करवाने की वजह से भी काफ़ी दफ़ा साइज़ श्रिंक हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से साइज श्रिंक हो जाता है। एजिंग की वजह से भी साइज श्रिंक होता है। जो औरतें सडन वेट लॉस या वर्कआउट करती हैं उनका भी साइज श्रिंक हो जाता है। और बहुत सारे लोग ब्यूटिफिकेशन की पर्पज़ से इसको करवा सकते हैं। बेसिकली जो टीनेज गर्ल्स होती हैं जिनकी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती वो बहुत अच्छी कैंडिडेट्स हैं। मैरिड वुमेन बहुत अच्छी कैंडिडेट्स हैं। और जो वुमेन जिन्होंने बहुत ज़्यादा फीड करवाया उसके बाद उनके ब्रेस्ट लटक गए हैं या फिर उनका वॉल्यूम कम हो गया है, दे आर वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर इट। एंड इवन जो औरतें बड़ी उम्र की औरतें होती हैं जिनके श्रिंक हो चुके होते हैं ब्रेस्ट या रिंकलिंग आ चुकी होती है, दे आर वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर इट। सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि इसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है कि आप आए और अपना ये करवा लें और आपको टाइम भी इतना नहीं, कंजप्शन भी टाइम की नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बजट फ्रेंडली भी होता है। इसके अलावा ये है कि ये हमारी बॉडी में जाके कुछ टाइम के बाद जज्ब हो जाता है, तो ये भी नहीं है कि ये कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर आ रही है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, तो विद टाइम ये बॉडी में जज्ब भी हो जाता है, तो इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अब ये हर पेशेंट पे मुख्तलिफ टाइम लगता है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा फिलर की ज़रूरत होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके हिसाब से ड्यूरेशन अलग लगता है। किसी को कम फिलर की ज़रूरत होती है तो कम टाइम लगता है। बट इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि ये ओपीडी प्रोसीजर है। आप आएँ, आप हमसे कंसल्टेशन लें, अगर हमें उसी वक्त ठीक लगेगा तो हम उसी वक्त आपका ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इसकी प्री या पोस्ट कोई ऐसी ख़ास एहतियात नहीं है। आप ये प्रोसीजर करवाने के बाद अपना नॉर्मल डे रूटीन, अपना काम, हर चीज़ आप नॉर्मली कर सकते हैं। बेसिकली इसकी जो लाइफ स्पैन होता है 1.5 इयर्स से लेकिन 2 साल तक का इसका टाइम पीरियड होता है। इसके बाद ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में नेचुरली भी हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो इसमें ये होता है कि जब हम बाहर से एक्सटर्नली डालते हैं तो ये बॉडी के लिए कोई फॉरेन मटीरियल नहीं होता, तो टाइम के साथ पहले ये इन्हांस होता है और जैसे जैसे इसका ख़त्म होने का टाइम होता है तो ये आराम आराम से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। It's completely safe for mothers to breastfeed their babies, so there is no side effect of it. क्योंकि जो हमारा fillers होते हैं वो हमारे dermis के layer में जाते हैं और mammary glands बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जो milk producing glands होते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है, तो इस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी एज सच नहीं है या बॉडी को नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये होता है कि प्रोसीजर के बाद आपको थोड़ी स्वेलिंग आएगी, थोड़ा सा हो सकता है कि ब्रूजिंग आए और माइल्ड डिस्कम्फर्ट फील हो, लेकिन अपने हर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स के कवर के साथ, एंटी इन्फ्लेमेटरीज के साथ, कुछ अरसे के डोज के साथ, जैसे 5 से 7 दिन या 3 दिन के डोज के साथ हम अपने पेशेंट को भेजते हैं, तो पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम भी फेस करने को नहीं मिलती। ब्रेस्ट फिलर एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है। और फिर जो दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर से उसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन आती है, अगेन इसमें 2 कैटेगरीज होती है, फैट ग्राफ्टिंग एंड सिलिकॉन इम्प्लांट्स। जो फिलर्स हैं वो आपको एक नेचुरल लुक देते हैं और वो स्लो इन्हांसमेंट होती है, तो सडनली आपको नहीं पता चलता कि कोई चीज़ है, लेकिन स्लोली स्लोली आपका ग्रेजुअल डिफरेंस आता है। और बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, आपको जनरल एनेस्थीजिया में नहीं जाना पड़ता और इसका कोई डाउन टाइम नहीं होता। व्हेयरएज अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ अरसे का डाउन टाइम भी होता है और स्टिचेस आते हैं, पूरा एक आपके साथ एक प्रोसीजर होता है जो सर्जरी में प्रोसीजर होता है। अगर हम इम्प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती इम्प्लांट्स को, तो फिर वो एक बहुत ही तकलीफ दह मरहला होता है और पेशेंट्स को दोबारा सर्जरी करके उसको रिमूव करवाना पड़ता है।
बढ़ जाता है। वेयरस अगर हम फिलर्स की बात करें तो हमारी बॉडी खुद ये चीज़ प्रोड्यूस करती है, तो अगर हम बाहर से भी ये चीज़ डालते हैं तो वक्त के साथ ये बॉडी में खुद एब्जॉर्ब और डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि बॉडी हमारी रिएक्शन दे। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो आप बेसिकली इम्प्लांट्स की तरफ जा सकते हैं, वो बिल्कुल आपको वही कंटूर्ड और इस तरह का परमानेंट लुक दे देंगे। लेकिन बॉडी फिलर्स का ये फ़ायदा है कि अगर आपको नेचुरल लुक मिलेगा, एक पर्कियर लुक मिलेगा, एक वॉल्यूम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, और अगर आपको पसंद ना भी आए तो वो 2 साल में खुद ब खुद बॉडी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और अगर उससे पहले भी पसंद ना आए तो हमारे पास वो भी प्रोसीजर्स होते हैं कि हम उसको डिज़ोल्व कर सकें। वेयर इज़ इम्प्लांट्स के साथ अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आपको दोबारा सर्जरी करवानी पड़ती है। तो अगर आपको नेचुरल और परक्योर और एनहांसमेंट के पर्पज़ से करवाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली बॉडी फिलर्स के लिए जाएं, और अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो गो फॉर इम्प्लांट्स। अगर आपके मजीद कोई सवालात है इसके रिलेटेड, आप हमारी कोई भी ब्रांच में आके कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स से कोई भी अपनी क्वेरी और सवालात डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बिल्कुल सेफ एंड स्मूथ प्रोसीजर है एंड यू कैन गो फॉर इट।